मेडिसिन वालों ने गलत लग रहा है, अच्छा लग मेडिसिन वालों ने तीसरा बार 3-4 महीने बाद जो है हमारे वासिफ भाई कोलकाता वाले आए हुए हैं और कपूर काइट सेंटर पे आज विजिट किए हुए हैं। चाचा हमारे सालम भाई आइडियल काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के संस्थापक, ये हमारे आमिर भाई लोग हैं, ये देखिए वासिफ भाई। वासिफ भाई कोलकाता से कपूर काइट सेंटर लखनऊ पे आए हैं, बाकी आपको वासिफ अंकल बताएंगे। ये कपूर साहब मुझसे पुराना ताल्लुकात में ही है, हम लोग लखनऊ में समझ लीजिए बहुत ज़माने से आ रहे, जो कि 2014 मैंने ऑल इंडिया आखिरी लड़ाया था एक, उसके बाद पतंगबाजी करते करते पतंगबाजी का कामों में ज़्यादा अंदाज देते क्योंकि पतंगबाजी के चक्कर में मुझे घर से दरअसल दूर हो गए थे हम जी जी। तो इसमें भी मैंने काफ़ी सारा नाम कमाया मैंने भैया, वो तो है। और क्या है कि आपका जाके इस पतंगबाजी में फिर मैंने सोचा फिर आऊँ, तो अभी 2 साल से मैं दोबारा पतंगबाजी कर रहा हूँ। 2018 के बाद जो है मैंने पतंगबाजी जैसा कम कर दिया ऑल इंडिया कराने के बाद, तो आज मैंने जो है 2 साल से पतंगबाजी कर रहा हूँ लखनऊ। पिछले साल जो है बीकानेर गए थे, ये साल मैं लखनऊ आ गया, बस यही सारी बातें हैं। बस आप लोग दुआ में आए, हम लोग एकदम ये दुआ में क्या एकदम हमेशा दिल जो जान सब में याद रहेंगे। और सालम भाई जी भाई वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमारे उस्ताद हैं भाई ये, बताइए आज वासिफ भाई को आप ही लेके आए। वासिफ भाई आज जो है हम लोग जो है वासिफ भाई को एक अच्छा स्टेडियम है और थोड़ी देर जो है लड़ने चाह उसमें कामयाबी मिल जाएगी। हाँ थोड़ा हम आपसे माजरा चाहेंगे, हम ओपनिंग में नहीं थे तो हम वीडियो नहीं बना पाए, कोई बात नहीं। तो एक दिन आप लोगों को बुलाया जाए मेरे कहने पे, चाचा एक दिन बुलाया जाए फिर एक वीडियो बनाया जाए। हाँ ये सही है। आप वासिफ भाई कब तक है यहाँ पर? यहाँ पे 19 तारीख का रात तक है और 20 को भोर को फैजाबाद चले। अच्छा तब तो नहीं हो पाएगा, तब तो मामला फंस गया। बाकी ये सब थे हमारी छोटी सी एक वीडियो थी, फिर बने रहिए आप लोग किलर काइट से।